कमाई का 3% या 5% सेवा में लगाओ। यदि कमाई का 3 या 5% सेवा में लगता रहेगा तो गारंटी लेता हूं आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आपके द्वारा किया गया पुण्य आपके आने वाले दुखों को समाप्त कर देगा। जैसे छाता बारिश से बचाता है, ऐसे पुण्य की छतरी दुखों से बचा लेती है, पापों से बचा लेती है। ये पुण्य की छतरी जरूरी, इसलिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाकर इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और आप भी इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। हजारों संत जो प्रसादी ग्रहण करते हैं, एक दिन की प्रसादी आप लोग भी पाएं। एक लोग दिन की प्रसादी आप लोग भी अपनी ओर से संतों को बंटवाकर अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से बंटवाओ। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई सेवा चलती है, कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन मिले, तो आप भी रसोई एक दिन की अपनी ओर से बंटवाकर हजारों साधु ब्राह्मण भक्त जरूरतमंद जो आप जैसे दर्शनार्थी भक्त गौरी गोपाल रसोई में, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई पाई बताओ? कोई पैसा लगा, शुल्क लगा, प्रसादी अच्छी थी या नहीं? तो देखिए हजारों लोग आप लोगों ने प्रसादी पाई, कोई शुल्क नहीं। तो ये बताओ सेवा है या नहीं, ये पुण्य का कार्य है कि नहीं? अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी माँ। इसलिए अन्नदान करके एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बंटवा। अन्नदान करने से धन की शुद्धि होती, करने लायक हो तो करो। गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती है, गाय बड़े प्रसन्न चित्त से गौरी गोपाल गौशाला में है। आपकी बगल में ही गौरी गोपाल गौशाला है, पास में। यहां से उल्टी परिक्रमा जाएंगे तो रेलवे क्रॉसिंग के पास है, तो आप भी गौरी गोपाल गौशाला में जाकर गायों का दर्शन कीजिए और गायों के लिए चारा भूसा चोकर खली आप भी गौदान कीजिए। गायों के लिए चारा की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, और गाय के लिए चारा बोया जा सके ऐसे आपका भी चारा गैया खाए, इसके लिए आप 1 गज 2 गज भूमि देकर गायों के चारे के लिए सहयोग कर सकते हैं। जिस भूमि में चारा बोया जाएगा और गैया खाएगी, तो हमारे गौरी गोपाल गौशाला में यदि ये गाय आपका चारा खाए, आपकी रोटी खाए, तो कितना बढ़िया। तो आप भी एक दिन की सेवा गायों की कर सकते हैं, 1 गज भूमि का सहयोग कर सकते हैं गौचर भूमि के लिए, गायों के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती,